मैं पूरा दिन घर पर छिपकर अकेले रहना चाहता हूँ। तू ये ताला और चाबी ले, घर के बाहर जा, ताला मार और निकल। सॉरी बच्चों, आज आपके फेवरेट पोपट अंकल आप लोगों के साथ बर्थडे नहीं मना पाएंगे। खिड़की में जाकर देखता हूँ। चल 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 यार, केक की जो पैकिंग हुई है ना, बढ़िया हुई है, एकदम मजा आ गया। चल भाई गोली जल्दी चल, थोड़ा सा यार तू थोड़ा जल्दी चल, चलता है आराम आराम से गोली एकदम। सॉरी बच्चों, आज आपके पोपट अंकल मजबूर है। अरे अब्दुल भाई, आप पोपट अंकल के घर गए थे? हाँ, फोड़ दिया अब्दुल ने बॉम्ब। पोपट लाल, अब तुम्हारा प्लान चौपट। पोपट भाई के विंग में गया था मैं, वहीं से तो आ रहा हूँ। नहीं नहीं अब्दुल भाई, टप्पू के कहने का मतलब है कि आप पोपट अंकल के घर उनको बर्थडे विश करने गए थे। आप 12 बजे के पहले ही चलेगा, तो जल्दी घर जाना होगा ना। नहीं नहीं, मैं पोपट भाई के घर पे नहीं गया था। अरे अब्दुल भाई, लेकिन आप आ तो वहीं से रहे हो। फंस गए अब्दुल, कहीं सच ना बता दे। हाँ मैं उन्हीं के विंग से आ रहा हूँ। पपीता जी, उनका फोन आया था मेरे को कि कॉफी की बोतल फूट गई है, तो प्लीज जरा लेके आना। क्या है ना, अय्यर भाई को सबे सबे कॉफी पीने की आदत है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो जिसको भी सुबह चाय और कॉफी पीने की आदत होती है ना, उसे सुबह चाय और कॉफी ना मिले ना तो सिर में दर्द हो जाता है। जैसे तुझे नाश्ते की आदत है। कोई बात नहीं अब्दुल भाई, अच्छा वो मिल गए, चलिए हमारे साथ पोपट अंकल के घर चलिए। हम उन्हें बर्थडे विश करते हैं, केक कट करते हैं, डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? मेरे से ऐसा नहीं होगा, मैं पोपट भाई के घर पे नहीं आ पाऊंगा। फिर से क्यों? मौसी। किसकी मौसी? मेरी मौसी, वो ट्रेन से मुंबई सेंटर आ रही है ना, और बेचारी अकेली है, बुजुर्ग है, सामान भी बहुत है, इसीलिए उसे लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। वो टाइम भी बहुत हो गया है ना। तो फिर आप देर मत कीजिए, जाइए फटाफट, जाइए जाइए। टाइम भी नहीं। चलो यार, चलो पोपट अंकल के घर धावा बोल लेते हैं। धावा नहीं, धावा धावा धावा। सॉरी मेरी टप्पू से ना, मैं मजबूर हूँ, मुझे आप लोगों से झूठ बोलना पड़ा। टप्पू से ना आ रही है मुझे बर्थडे विश करने के लिए, क्या करूं, कैसे बचूं उनसे। आ गए। रेडी रेडी? अरे आई एम नॉट रेडी। पोपट अंकल को मालूम नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ, वो मुझे मालूम है, तो बेल बजाना, तभी उनको मालूम होगा। वाह, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर से बजा, एक लास्ट टाइम। ए बेल, ये बेल मत बजा, खला लगा हुआ है। उतरे अरे यार, अरे मतलब पोपट अंकल घर पे ही नहीं है। ओए लेकिन लाइट तो चालू है, कहीं ऐसा तो नहीं है पोपट अंकल जाते हुए लाइट ऑफ करना भूल गए हो? अरे यार, इतने एक्साइटमेंट से हम लोग आए थे पोपट अंकल को बर्थडे विश करने। कमाल है, हर बर्थडे में तो पोपट अंकल 12 बजे अपने घर पे ही रहते हैं। करेक्ट, रुक जा, मैं पोपट अंकल को फोन करता हूँ। हाँ, कर कर। पोपट अंकल। हाँ। पोपट अंकल का फोन स्विच ऑफ है। पोपट अंकल पत्रकार है, उनका फोन तो हमेशा ऑन होता है। हाँ। तूफान एक्सप्रेस गए होंगे या अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे, और हो सकता है उनका फोन भी डेड हो गया हो।
काश पोपट अंकल अभी यहाँ होते तो हम लोग इतनी खुशी में इतनी एक्साइटमेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते ना। अरे मेरी टप्पू सेना कितनी खुशी से मेरा जन्मदिन मनाने आई और मैं दरवाजा बंद करके अंदर छुपा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी टप्पू सेना को मायूस नहीं कर सकता। दरवाजा तो बंद है। अब्दुल को बोलता हूँ ताले की चाबी लेकर आ और दरवाजा खोल दे। मैं मेरी टप्पू सेना के साथ मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगा। पोपट अंकल कहाँ है, कैसे पता चलेगा? वही तो, एक तो उनकी शादी भी नहीं हुई है ना। नहीं मतलब अगर उनकी शादी हो गई होती तो उनकी वाइफ यानी कि हमारी आंटी से हम लोग पूछ लेते ना कि पोपट अंकल कहाँ है। करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। शादी तो नहीं हुई, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उनका सबसे बड़ा बैड लक। बेचारे पोपट अंकल, पता नहीं कब होगी उनकी शादी। आई होप पिंकू पोपट अंकल की शादी बस अब जल्दी हो जाए। पोपट अंकल हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरी शादी कब होगी कब होगी, लेकिन उनकी शादी हो ही नहीं रही है। ये अनफेयर है भगवान। हे भगवान, हमारी आपसे प्रार्थना है, प्लीज 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 आप जल्दी उनकी शादी कर दो। प्लीज प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वजह से दुखी हो। मुझ पर दया करो और मुझसे सहानुभूति जताओ। पोपटलाल, तुमने सही निर्णय लिया। आज किसी के साथ अपना जन्मदिन नहीं मनाना है और किसी की कोई बधाई नहीं लेनी। पोपट अंकल कितनी देर में आएंगे कुछ पता नहीं है फ्रेंड्स, अब क्या करें? लगता है अब ये केक हमें ही खानी पड़ेगी। नहीं गोली, ये केक मैं घर पे जाके फ्रिज में रखता हूँ। हाँ, हम सुबह 7 बजे आएंगे पोपट अंकल को विश करने। नहीं गोगी, मतलब नहीं है, पोपट अंकल लेट नाइट आएंगे और कल देर तक सोएंगे तो यूज नहीं है ना आके। राइट पिंकू, तो हम लोग 11-12 बजे तक आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। लाओ सब लोग मुझे केक दे दो, मैं मेरे घर के फ्रिज में रख दूंगा। ठीक है, समझ गया। तो तेरे फ्रिज में रख देना टप्पू। चलो फ्रेंड्स। वेरी गुड। अरे ये कैसा धर्म संकट है, सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूं। कोई बात नहीं पोपटलाल, दुखी मत हो, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारी वजह से कोई दुखी नहीं होगा और खुद के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करो। चलो। हैप्पी बर्थडे पोपटलाल। Lights! आ गया। वाह पोपटलाल वाह, आज तक दुनिया में किसी ने खुद का बर्थडे खुद के साथ इस तरह से नहीं मनाया होगा। चलो अब सो जाता हूं, कल फिर से खुद के साथ अपना बर्थडे मनाना है ना। गुड नाइट पोपटलाल। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। चले कहां? पोपट भाई के घर, आज उनका जन्मदिन है ना। अरे हाँ, ये पोपटलाल कितना लकी है ना। लकी कैसे? अरे उसका बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, मतलब 4 साल में सिर्फ एक ही बार पार्टी देनी पड़ती है, कितना लकी है भाई। तो लकी कैसे हुए, अनलकी हुए ना। 4 साल में 3 साल तो जन्मदिन मनाने की खुशी नहीं मिलती उन्हें। एक्चुअली जिनका बर्थडे 29 फरवरी को आता है वो एक दिन पहले यानी कि 28 फरवरी को अपना बर्थडे मना लेते हैं। Must be. लेकिन जिस तारीख को जन्मदिन हो उस दिन सेलिब्रेट करने की बात ही कुछ और। हाँ,
काश सारी पत्नियों का बर्थडे 29 फरवरी को आता। क्यों? क्योंकि 3 साल तक नो डिनर, नो शॉपिंग, नो पार्टी, नो गिफ्ट। सारे पतियों के कितने पैसे बच जाते भाई। बस आप सब पतियों को ना, और खास करके कवि पति को, अपने पत्नी को किसी भी बात में निशाने पर रखने में बड़ा मजा है। अब अगर आपकी ये पत्नी कथा खत्म हो गई हो तो चले, मैंने पोपट भाई के लिए केक बनाया है। अरे वाह, तो मेरे टिफिन में डाला कि नहीं? किस खुशी में? अरे हमारे पोपटलाल का बर्थडे है भाई, तो पोपट भाई ने केक कहाँ काटा है। और अगर मैं आपको टिफिन में अभी केक देती हूँ तो रात को पोपट भाई के बर्थडे पार्टी में आप कुछ नहीं खाएंगे, मंजूर? नहीं नहीं, मुझे टिफिन में केक नहीं चाहिए। तो अब पोपट भाई को शुभकामनाएं देने चले। लेडीज फर्स्ट। वाह भगवान, आपने मेरे जन्मदिन के लिए भी ऐसा दिन चुना जो 4 साल में एक बार आता। वैसे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए इस बार जन्मदिन पर क्या गिफ्ट देंगे मुझे? क्या प्रमोशन? हाँ चलेगा, मुझे चाहिए प्रमोशन, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में। बैचलर से मैरिड बना दीजिए ताकि मेरी शादी को लेकर मैं और मेरे गोकुलधाम वाले दुखी ना। मेरा गोकुलधाम का परिवार दुखी होता है ना, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। इसीलिए इस बार मैं अपना जन्मदिन खुद के साथ मना रहा हूँ। कोई भी मुझे बधाई देने आएगा वो दरवाजे पर ताला ही पाएगा। ताला? लगता है पोपटलाल सुबह सुबह ही काम पर निकल गए, या फिर हो सकता है कि पोपटलाल रात को घर आए ना हो। अरे मेहता साहब और अंजलि भाभी आए हैं। लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसे कहाँ रुक गए होंगे? अंजलि पोपटलाल पत्रकार है, किसी काम में बिजी होगा, या फिर हो सकता है कि जन्मदिन है तो दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गया हो। हो सकता है, एक बार आप पोपट भाई को फोन कीजिए ना। ओके। सॉरी मेहता साहब, फोन बंद आएगा। लो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्यों? मुझे क्या पता। अंजलि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं पोपटलाल से शाम को मिल लूंगा। ठीक है। भिड़े आज क्या सुविचार लिख रहा है, चला थोड़ा टाइम पास करता हूँ। चलो अंजलि मैं चलता हूँ। अरे जेठाल। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह लेखक लेखिका की जोड़ी कहाँ से आ रही है? जेठा भाई तारक लेखक है पर मैं लेखिका कैसे हुई? अरे क्यों हो, भाई की पत्नी भाभी, काका की पत्नी काकी, मामा की पत्नी मामी, तो ऐसे लेखक की पत्नी लेखिका। जेठालाल रिश्तों में ही ऐसी जोड़ी बनती है, जैसे कि काका काकी, मामा मामी, लेकिन जिस काम के लिए हम पहचाने जाते हैं उसमें जोड़ी नहीं बनती। जैसे कि लेखक की पत्नी को लेखिका नहीं कहा जाता। हाँ, अगर ऐसा होता तो हमें शिक्षक भिड़े भाई की पत्नी माधवी भाभी को शिक्षिका कहना पड़ता, डॉक्टर हाथी भाई की पत्नी कोमल भाभी को डॉक्टरानी कहना पड़ता। और सॉरी अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, आप दोनों तो एकदम सीरियस हो गए। अच्छा ये बताइए, पति पत्नी की जोड़ी, पति पत्नी तो बोल सकता हूँ ना? अरे हाँ। हाँ तो बताइए, तो सुबह सुबह पति पत्नी की जोड़ी कहाँ से आ रही है, वो भी केक के साथ? आज पोपटलाल का जन्मदिन है। हाँ। तो अंजलि ने पोपटलाल के लिए केक बनाया था। वाह। तो हम उसे केक देने गए थे और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने गए थे। तो खाली शुभकामना दे के आ गए, केक नहीं दी? नहीं नहीं, केक और शुभकामनाएं दोनों ही नहीं दे पाए क्योंकि वो घर पे नहीं है। ओ अच्छा, वैसे मेहता साहब देखा जाए तो पोपटलाल को जन्मदिन की नहीं, वो शादी की शुभकामनाएं देने की जरूरत है। बस एक बार बेचारे का घर बस जाए तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गंगा नहाए। सच, अगर भगवान गोकुलधाम वालों से पूछे ना कि उनकी क्या इच्छा है तो वो अपनी सबसे पहली इच्छा यही बताएंगे कि पोपट भाई की शादी हो जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है। हे भगवान प्लीज बताइए कि पोपटलाल की शादी हो जाए इसके लिए हम क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल बताइए भगवान, अगर आप चाहते हैं कि हम मन्नत रखें तो वो भी हम पोपटलाल से रखवा देंगे। अरे पोपटलाल क्या,
पोपटलाल की शादी हो जाए इसके लिए मैं भी मन्नत रख सकता हूँ। ओहो, कि मैं एक साल तक डाइट फूड नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, अगर पोपटलाल की शादी हो रही हो तो मैं एक साल तक सिर्फ डाइट फूड खाने की मन्नत रखने को तैयार हूँ। बेटा साहब, अगर पोपटलाल की शादी हो रही हो तो मैं पूरा महीना हाफ डे उपवास रखने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है? ओ, मैं तो गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे हाय, गुड मॉर्निंग क्या मन में बोला? अरे आपको गुड मॉर्निंग की जरूरत ही क्या है यार भाई? आपका गुड तो हर मॉर्निंग में आपका साथ में ही रहता है। क्या? मैं बबीता जी की बात कर रहा हूँ। वो तो 24 घंटे आपके साथ में ही रहते हैं ना। मतलब आपके लिए सुबह दोपहर शाम गुड मॉर्निंग ही है, बराबर ना बबीता जी? ओह, दैट्स सो स्वीट जेठा जी, थैंक यू सो मच। सही बात है, पत्नी पति का सौभाग्य यानी कि लक होती है। यस यस डॉक्टर आती, आई एम वेरी 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 लकी। अरे जल्दी बोल ना छोटी। तू कुछ बोल रहा था? मैं कह रहा थी अगर पप्पू की शादी की बात है ना तो मैं ये मन्नत मांगने को तैयार हूँ कि मैं अगले 6 महीने तक अपने बब्बर शहर पे गराज नहीं जाऊंगा। मतलब तू बिना गाड़ी के जाएगा? वॉकिंग वॉकिंग? ओ नहीं जी, और तुसी छोड़ोगे ना मैनू? अरे अरे सॉरी, तेरा गैराज नॉर्थ में और मेरा ऑफिस साउथ में। तो सही बात है, इसे तो अय्यर को तकलीफ होगी। सोड़ी, मन्नत तो ऐसी रखनी चाहिए जिसे किसी और को नहीं खुद को तकलीफ हो। ओ, अच्छा ऐसी बात है। तो पप्पू की शादी के लिए मैं अपनी रोशन डार्लिंग से अगले 6 महीने तक बात नहीं करूंगा। भाई, इससे ज्यादा तकलीफ वाली बात तो मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकती ना। भाई नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, वरना पोपट भाई का घर बसाने के चक्कर में कहीं आपके घर में टेंशन ना हो जाए। अय्यर भाई, आप पोपटलाल के शादी के लिए क्या तपलीक उठाने के लिए तैयार है? मैं ना मैं बताऊं? अरे बताओ बताओ। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक साल के लिए संसार के सारे मोह माया छोड़ के जंगल में चले जाइए। अरे वाह 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 जेठालाल, बहुत अच्छा आइडिया है ना? हाँ, अरे बहुत ही अच्छा है। मैं तो क्या कहता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो तो मैं 1 साल क्या 2 साल तक जंगल में रह सकता हूँ। तो चले। अरे क्या बातें हो रही है दोस्तों? अरे तू बता भाई, तू क्या कब से हो सुविचार लिख रहा था? अरे जेठालाल, मैंने सुविचार लिखा ही नहीं है। ये तो कब से इतना क्या लिखा तूने? आगे पढ़ो। अरे भाई अभी तू आ गया, तू ही बता ना भाई क्या लिखा है। अरे पढ़ने में ही मजा है जेठालाल। अरे आत्मा राम ने लिखा होगा तो कुछ खास ही लिखा होगा। चलो चल के पढ़ते हैं। चलो चलो आइए आइए। चलो चलो, ये तो खास दावत देने ही आया था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं, आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के तूफानी सदस्य श्री पत्रकार पोपटलाल का जन्मदिन है। इसलिए पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ऐसी पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की दिल से इच्छा है। प्रार्थना ले, प्रार्थना इच्छा का आते गलत लिव लेला है भाई, इच्छा लिया पाहिजे।
पढ़ने आयो कि पढ़ाने आयो जेठालाल? पढ़ो ना जो लिखा है वो पढ़ो। यार गलत लिखा है। पढ़ो पढ़ो। ऐसे गोकुलधाम वासियों की प्रार्थना है। देखा, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। भीड़े और सोसाइटी के बाकी सारे सदस्यों की शुभकामनाओं में मेरे लिए सहानुभूति ही है। काश मैं सहानुभूति से भरी हुई पोपटलाल के जन्मदिन की ये बधाई उसके पढ़ने से पहले मिटा सकता, क्योंकि ये पढ़ने के बाद उसका अकेले जन्मदिन मनाने का फैसला और मजबूत हो गया है। वैसे दोस्तों, हमारा पोपटलाल हर हालात में खुशी से जीने वाला इंसान है, बस कभी कभी शादी को लेकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है और फिर जोश और खुशी के रास्ते पे चलने लगता है। अब गोकुल धाम में रस्सी खींच जैसा खेल शुरू होने वाला है। एक तरफ पोपटलाल है तो दूसरी तरफ गोकुल धाम वासी। क्या लगता है आगे क्या होगा? हालात देखकर लग रहा है कि पोपटलाल का जन्मदिन हंगामों से भरा हुआ होगा। तो क्या आप तैयार हैं लुक्का छिपी वाले खेल के लिए? तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा अब्दुल, पोपटलाल सुबह सुबह काम पे निकल गया है और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो तुझे पता है वो कितने बजे गया, कहाँ गया है? ये भगवान, ये अब्दुल कहीं सच ना बोल दे कि मैं घर में ही छिपा हूँ।